بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم। सूरत के पहले हिस्से का पहला बाब आयत नंबर 1 से लेकर आयत नंबर 17 तक है। इसका खुलासा कल भी बयान किया था। इस हिस्से का आगाज जो है वो सबसे पहले कुरान मजीद के एजाज की तरफ इशारा है अलिफ लाम मीम के जरिए। ये बात पहले हो चुकी है कि ये हरूफ मुकत्तआत, इनके मानी अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन इनकी मुराद क्या है इस बारे में उलमा के मुख्तलिफ अकवाल हैं, और उनमें से एक कौल ये है कि इनके जरिए कुरान मजीद के एजाज की तरफ इशारा है कि ये कुरान इन्हीं हरूफ से मिलकर बना है जिन हरूफ से तुम अहले अरब आपस में काम करते हो। तो ये कुरान उन्हीं हरूफ से मिलकर बना है तो तुम इसके मुकाबले में इस जैसा कलाम बनाकर पेश क्यों नहीं करते। उसके बाद तौहीद के दावे को जिक्र किया है, अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु, अल्लाह उसके अलावा कोई और माबूद बरहक नहीं है, और उसके दो दलाइल जिक्र किए हैं अस्माए हुस्ना में से, और वो दो दलाइल ये हैं कि वो अल हय है और अल कय्यूम है। हम ये बात आयतुल कुर्सी में कर चुके हैं कि अल हय और अल कय्यूम से किस तरह अल्लाह ताला के इलाह होने पर इस्तदलाल किया जाता है, और इन दोनों मानी, इन दोनों खूबसूरत नामों का, इन दोनों अस्माउल हुस्ना का माना क्या है। उसके बाद दलील वही का जिक्र है, نزل عليك الكتاب بالحق, अल्लाह ने जिसके अलावा कोई और माबूद नहीं है उसी ने नाजिल की है आप पर किताब, और ये किताब जो नाजिल की है बिलहक यानी कि लिइज़हार अलहक, हक को जाहिर करने के लिए नाजिल की है, और इस हाल में कि ये जो किताब है मुसद्दिकन तस्दीक करने वाली है, लिमा बैन यदैही उन चीज़ों की जो इससे पहले हैं, यानी कि वो किताबें जो कि इससे पहले हैं, ये किताब उन किताब उन चीजों की तस्दीक करने वाली है। अनजल तौरात वल इंजील, जिसको हम कहते हैं दलील नकली, और अल्लाह ही ने तौरात और इंजील को भी नाजिल किया है, मिन कब्लू इस कुरान को नाजिल करने से पहले, हुदल लिन्नासी इस हाल में कि वो भी लोगों के लिए हिदायत का जरिया थी, वो अनजल अल फुरकान और अल्लाह ही ने दीगर किताबों को भी नाजिल किया है। अल फुरकान का एक माना ये है यहाँ पर कि बाकी जो चीज़ें अल्लाह ने नाजिल की हैं वो मुराद है, क्योंकि कुरान का जिक्र पहले हो चुका है, तौरात और इंजील का जिक्र भी हो चुका है। इन्नल्लज़ीना कफ़रू बिआयातिल्लाहि लहुम अज़ाबुन शदीद, बेशक वो लोग जो के कुफर करते हैं अल्लाह की आयात का इनकार करते हैं उनके लिए अजाब शदीद है, उनके लिए शदीद अजाब है, वल्लाहु अज़ीज़ुन ज़ु इंतिक़ाम, और अल्लाह ज़बरदस्त और गालिब है और इंतकाम लेने वाला है। अब सिर्फ फिल इल्म के रद्द पर अकली दलील पेश की, इन्नल्लाह ला यख्फा अलैहि शैउन फिल अर्द वला फिस समा, बेशक अल्लाह पर मख्फी नहीं है कोई भी चीज, इन्नल्लाह ला यख्फा अलैहि शैउन, कोई भी चीज अल्लाह पर मख्फी नहीं है। लेकिन नकरा जो है वो सियाक के नफी में है कि कोई भी चीज चाहे वो जमीनों में हो चाहे वो आसमान में हो अल्लाह पर वो मख्फी नहीं है, और हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहामि कैफ यशा, और वो अल्लाह ही है जो तुम्हारी सूरतें बनाता है, तुम्हारी सूरतें बनाता है, फिल अरहामि माओं के रहम में, जब तुम माओ के रहम में होते हो वहां पर तुम्हारी सूरतों को अल्लाह ही बनाता है, कैफ यशा जैसे भी वो चाहता है, यानी कि वो जैसे चाहता है तुम्हारी शक्लें बनाता है, क्योंकि वो अकेला मुतसर्रिफ है, वो अपनी मखलूक में जैसा चाहे तसरुफ करता है। तो जब ये सब बातें तुमने मान ली तो मान लो कि ला इलाहा इल्लाहु, कि अल्लाह के अलावा कोई और माबूद नहीं है, कोई और इस काबिल नहीं है कि उसकी इबादत की जाए, हुवल ला इलाहा इल्लाहु अल अजीजुल हकीम, वो अल्लाह जो अल अजीज भी है, गालिब है, जबरदस्त है,
और गलबे वाला और कुव्वत वाला है, लेकिन इसके बावजूद वो अल हकीम है। उसका हर हर फेल हिकमत पर मबनी होता है। मखलूक को अगर गलबा और कुव्वत और ताकत मिले तो वो हद से तजावुज करती है, लेकिन अल्लाह ताला बावजूद अल अजीज होने के अल हकीम भी है, और उसके तमाम के तमाम फैसले, उसके तमाम के तमाम अफ़ाल वो हिकमतों वाले हैं, हिकमत पर मबनी होते हैं। अब एक एतराज का जवाब है। आपने देखा कि ये सूरत के शुरू में तौहीद को बयान किया, तौहीद के दलाइल को जिक्र किया। अब सवाल ये पैदा हुआ कि अगर तौहीद इतने दलाइल से साबित है और तौहीद जो है वो एक हकीकत है, तो फिर ये ईसाई जो हैं ये ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा क्यों करार देते हैं, और फिर वो इसके लिए दलाइल भी पेश करते हैं, और वो ये कहते हैं कि देखो तुम्हारे कुरान में ये जिक्र नहीं है कि जो ईसा है वो रूहुल्लाह है, और क्या इंजील में ये लिखा हुआ नहीं है कि जो ईसा है वो इब्नुल्लाह है। तो अगर ईसा को कुरान भी रूहुम मिन्ह कहता है, यानी कि वो अल्लाह की तरफ से रूह है, और इंजील जो है वो उनको इब्नुल्लाह कहती है, तो फिर हम अगर ये कहें कि ईसा अल्लाह के बेटे हैं, तो फिर ये शिर्क कैसे है? ये एतराज है। तो इसका जवाब अब जिक्र होगा। हुवल्लज़ी अनज़ला अलैकल किताबा, वही अल्लाह है जो जिसने तुम पर किताब को नाजिल किया है, मिन्हु आयातुम मुहकमातुम, और इस कुरान में कुछ आयात तो मुहकम है, मुहकम आयात है, जाहिरी मुराद वाली, हुन्ना उम्मुल किताब, ये हैं जो कि किताब की असल और जड़ और बुनियाद हैं, जिनकी तरफ रजू किया जाता है, वह उखरु मुतशाबिहात, और आयात दूसरी किस्म आयात की वो है जो कि मुतशाबिहात हैं, जिनकी मुराद या तो जाहिर ना हो या जिनके एक से ज्यादा माना मुमकिन हो। आयात अल्लाह ताला ने जो नाजिल की हैं वो दो तरह की हैं, बाज मुहकमात हैं बाज मुतशाबिहात हैं। अब जो अहले बिद्दत होते हैं, जो गुमराह किस्म के लोग होते हैं जिनके दिलों में बीमारी होती है, वो क्या करते हैं, वो मुहकम आयात को छोड़ देते हैं और मुतशाबे आयात को पकड़ लेते हैं, और लोगों को धोखा देते हैं कि देखो हम तो जो बात कर रहे हैं वो अपनी तरफ से थोड़ी कर रहे हैं, हमारे पास कुरान की ये दलील मौजूद है, हमारे पास हदीस से ये दलील मौजूद है। असल में वो कर क्या रहे होते हैं, वो मुहकम आयात को छोड़कर मुतशाबे आयात को पकड़ रहे होते हैं, और बजाय दुरुस्त तरीका इख्तियार करने के, जो कि ये है कि मुतशाबे आयात को मुहकम आयात की रोशनी में समझा जाए, मुहकमात की तरफ मुतशाबेहात को लौटाया जाए, वो इसके उलट कर रहे होते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाता है फअम्मल लजीना फी कुलूबिहिम ज़ैगुन, रहे वो लोग के जिनके दिलों में टेढ़ टेढ़पन होता है, बीमारी होती है, तो फयत्तबिउना, ये इत्तेबा करते हैं, पीछे लगते हैं, मा तशाबहा मिनहु, उन आयात के जो के मुतशाबे होती हैं, जिनका माना मुहतमल होता है, जिनके माना में एक से ज्यादा चीजों का एहतमाल होता है, वो उनको पकड़ लेते हैं और मुहकमात को छोड़ देते हैं। इसीलिए ऐसा करते हैं कि इब्तिगा अल-फितनति व इब्तिगा अत-तअवीलिही, लोगों को गुमराह करने के लिए, इब्तिगा अल-फितनति, लोगों को गुमराह करने के लिए, व इब्तिगा अत-तअवीलिही, और इन आयात के हकीकी माना को जानने की गरज से। हालांकि जो मुतशाबेहात हैं उनका हकीकी माना जो है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत ही जानता है, या फिर अगर दूसरे माना में लिया जाए तो इनका माना जो है वो वही है जो कि मुहकम आयात की रोशनी में समझ आए। तो वमा यालमु तअवीलहु इल्लल्लाह, हालांकि इनकी हकीकत को अल्लाह के अलावा और कोई नहीं जानता। अब जब गुमराह लोगों का तस्करा किया, इनके मुकाबले में रासिखून फिल इल्म का तस्करा होगा, वर्रासिखून इल्मी, और वो लोग जो के इल्म में रासिख होते हैं, यकूलूना आमन्ना बिही, वो ये कहते हैं कि हम इन मुतशाबे आयात पर भी ईमान रखते हैं, हम जिस तरह मुहकम आयात पर ईमान रखते हैं, हम इन मुतशाबे आयात पर भी ईमान रखते हैं, कुल्लुम मिन इंदी रब्बिना, ये तमाम की तमाम मुहकम आयात हों या मुतशाबे आयात हों, ये हमारे रब ही की तरफ से हैं, वमा यज़्ज़क्करु इल्ला उलुल अलबाब, और नहीं नसीहत हासिल करते मगर वो लोग जो के उलुल अलबाब होते हैं। अब इधर दो किस्म के लोगों का तज़करा है, एक वो लोग जो के गुमराह हैं, एक वो लोग जो के रासिखून फिल इल्म हैं। तो गुमराह लोगों का तरीका क्या है कि वो मुहकमात को छोड़ देते हैं, मुतशाबेहात के पीछे लग जाते हैं, और मकसद उनका ये होता है कि लोगों को गुमराह करें। लेकिन रासिख फिल इल्म लोग जो होते हैं वो मुतशाबे आयात को मुहकम आयात की रोशनी में समझते हैं,
और ईमान वो सब की सब आयात पर रखते हैं। वो कहते हैं कुल्लुम मिन इंदि रब्बिना, ये सब तमाम की तमाम जो है ये अल्लाह ही की तरफ से हैं। वमा यद्दक्करु इल्ला उलुल अल्बाब, तो पता ये चला कि जिस तरह कुरान ने ये कहा कि ईसा जो है वो रूहुम मिन है, रूहुम मिन अल्लाह है, तो कुरान ने ये भी तो कहा है कि कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। तो लम यलिद वलम यूलद को छोड़ दिया और इससे इस्तदलाल कर लिया कि कुरान ने क्या क्या कहा है कि ये अल्लाह की तरफ से रूह है। ठीक है, तो कुरान ये इस एतराज का जवाब दिया कि असल में जो लोग ये कहते हैं कि हम तो ईसा की उलूहियत पर या ईसा के अल्लाह का बेटा होने पर कुरान से इस्तदलाल करते हैं, वो लोग असल में क्या कर रहे हैं, वो असल में मुहकम को छोड़ के तो मुतशाबे की पैरवी कर रहे हैं, ये लोग अहले बिदत हैं, ये लोग जो है वो गुमराह हैं। फअम्मल्लज़ीना फी कुलूबिहिम ज़ैग़ुन, ये काम उन लोगों का होता है जिनके दिलों में टेढ़ होता है। अब जब ये बता दिया कि एक ऐसा गिरोह मौजूद है जो कि जिसके दिलों में टेढ़ है, जिसके दिलों में बीमारी है, वो लोगों को गुमराह करना चाहता है और वो लोगों को गुमराह करने की कोशिश करता है, तो फिर जो उलुल अलबाब हैं, जो उलुल अलबाब हैं वो क्या करते हैं, वो ये दुआ करते हैं रब्बना ला तुज़िग़ कुलूबना, ऐ हमारे रब हमारे दिलों को टेढ़ा मत करना। पीछे कहा फअम्मल्लज़ीना फी कुलूबिहिम ज़ैग़ुन, आपको दोनों आयात का रब समझ आ रहा है, पीछे कहा फअम्मल्लज़ीना फी कुलूबिहिम ज़ैग़ुन, वो लोग जिनके दिलों में टेढ़ होता है वो ऐसी हरकत करते हैं, और जो रासिखूना फिल इल्म है वो ये दुआ करते हैं रब्बना ला तुज़िग़ कुलूबना, ए अल्लाह हमारे दिलों को टेढ़ा मत कीजिएगा, बाद इज़ हदैतना, बाद इसके कि आपने हमें हिदायत दे दी है, वहब लना मिन लदुनका रहमा, और ए अल्लाह हमें अपनी जानिब से साबित कदमी अता कीजिए, यहाँ पर रहमा साबित कदमी के माना में है, इन्नका अंतल वहाब, ए अल्लाह बेशक आप ही खूब अता करने वाले हैं, आप ही कसरत से अता करने वाले हैं, आप ही बख्शिश देने वाले हैं। वहाब का मतलब वो जात जो कि कसरत से अतिया देती हो, कसरत से जिसकी जिसकी अता जो है वो बहुत ज्यादा हो। रब्बना इन्नक जामिउन्नास लियौमिल्ला रैब फीह, ए हमारे रब इन्नक जामिउन्नासी, बेशक आप ही लोगों को जमा करने वाले हैं, लियौमिन एक ऐसे दिन में के ला रैब फीह, जिस दिन के अंदर जिस दिन के आने में कोई शक नहीं है, इन्नल्लाह ला युखलिफुल मियाद, बेशक अल्लाह ताला अपने वादे की खिलाफ वर्जी नहीं करता, बेशक अल्लाह ताला अपने वादे की खिलाफ वर्जी नहीं करता है। इन्नल्लज़ीना कफरू लन तुग़नी अन्हुम अमवालुहुम वला औलादुहुम मिनल्लाहि शैआ, अब पीछे जो है वो जिक्र किया, तौहीद का जिक्र किया, उसके दलाइल का जिक्र किया और एक शुबहे का जवाब दिया, और उसके ज़िमन में दो किस्म के लोगों का जिक्र किया। एक किस्म के लोग वो हैं जिनके दिलों में टेढ़ है, उनका तर्ज़ अमल, और दूसरी किस्म के लोग वो हैं जो रासिखून फिल इल्म हैं, उनका तर्ज़ अमल जिक्र किया, और ये भी जिक्र किया कि वो सिर्फ अपने इल्म के ऊपर एतमाद नहीं करते बल्कि गुमराही से बचने के लिए अल्लाह से दुआ करते रहते हैं, रब्बना ला तुज़िग़ कुलूबना बाद इज़ हदैतना। अब जब ये जिक्र किया तो अब जो है वो तख़वीफ़ है मुनकरीने तौहीद के लिए, तख़वीफ़ उखरवी मुनकरीने तौहीद के लिए, इन्नल्लज़ीना कफ़रू, वो लोग जो के कुफर करते हैं, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफर किया है, लन तुग़निया अन्हुम अमवालुहुम वला औलादुहुम, हरगिज़ उनको फ़ायदा नहीं देगा, ना उनके माल उनको कोई फायदा देंगे, ना किसी काम आएंगे, ना ही उनकी औलादें उनके किसी काम आएंगी, मिनल्लाही मिन अज़ाबिल्लाही, अल्लाह के अजाब से शैअन कुछ भी फायदा नहीं देंगे, ना उनके अमवाल ना उनकी औलादें उनको कुछ भी फायदा देंगे, व उलाइका हुम, और यही वो लोग हैं जो के वकूदुन्नार, आग का ईंधन है, यही वो लोग हैं जो के आग का ईंधन बनेंगे, तो ये तख़वीफ़ उखरवी है। अब इसकी दो मिसालें जिक्र होंगी, दो मिसालें जिक्र होंगी, किस चीज़ की दो मिसालें जिक्र होंगी, इस चीज़ की कि जो काफिर लोग हैं उनको उनका माल और औलाद कोई फायदा नहीं देता, ठीक है, जब अल्लाह पकड़ता है तो फिर ना माल काम आता है ना औलाद काम आती है। पहली मिसाल, कदअबि आलि फिरऔन वल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, यानी कि दअबुहुम कदअबि आलि फिरऔन, वो लोग जिन्होंने जो कुफर करते हैं उनका मामला फिरौन और उसके लश्कर की तरह है, कदअबि आलि फिरऔन वल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, और उन लोगों की तरह जो कि उनसे पहले थे, फिरौन से पहले थे, कदअबि
कद्दबू भी आयातीना, उन लोगों ने भी हमारी आयात की तकजीब की थी, उन लोगों ने भी हमारी आयात की तकजीब की थी। तो फअखदहुमुल्लाहु बिदुनूबिहिम, अल्लाह ने उनको पकड़ लिया उनके गुनाहों की वजह से, अल्लाह ने उनके गुनाहों की वजह से, उनके तकजीब और कुफर की वजह से उनको पकड़ लिया। वल्लाहु शदीदुल इकाब, और अल्लाह ताला बहुत शदीद पकड़ करने वाला है। अब मौजूदा कुफार को खिताब, कुल ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए, कुल लिल्लज़ीना कफरू, उन लोगों को जो कि आज कुफर कर रहे हैं वो आपके सामने जो है उनको भी ये कह दीजिए, फिरौन का हाल तुमने सुन लिया, अब मौजूदा काफिरों को भी कह दीजिए कि सतुग्लबूना, अन करीब तुम्हें मغلوب कर दिया जाएगा, अन करीब तुम मغلوب हो जाओगे। वतुहशरूना इला जहन्नम, और तुम्हें जहन्नम की तरफ तुम्हें जो है वो इकट्ठा कर दिया जाएगा। वबिसल मिहाद, और जहन्नम जो है वो बहुत ही बुरा ठिकाना है, बहुत ही बुरी जगह है। अब दूसरी मिसाल का जिक्र है, पहले फिरौन की मिसाल का जिक्र किया, अब जंगे बदर और जंगे बदर में कत्ल होने वाले जो बड़े बड़े मुशरिकीन थे उनकी मिसाल का जिक्र है, और ये सारा इस चीज का बयान हो रहा है कि इन्नल्लज़ीना कफरू लन तुग़निया अन्हुम अम्वालुहुम वला औलादुहुम मिनल्लाहि शैया, जो लोग काफिर हैं उनको उनके माल और उनकी औलाद कोई फायदा नहीं दे सकेगा। तो पहले फिरौन की मिसाल देखी, अब ये देखो कि जंगे बदर वाले दिन क्या हुआ। قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ, यकीनन तुम्हारे लिए एक निशानी है, फी फिअतैनि, उन दो ग्रोहों में, इल्तक़ता, जो कि आपस में एक दूसरे से टकरा गए थे, एक दूसरे के आमने सामने थे, फिअतुन तुक़ातिलु फी सबीलिल्लाह, उनमें से एक ग्रोह वो था जो कि अल्लाह के रास्ते में क़िताल कर रहा था, लिइला कलिमतिल्लाह, अल्लाह के कलमे को सर बुलंद करने के लिए, वअख़रा काफिरतुन, और दूसरा ग्रोह काफिर था, दूसरा ग्रोह जो है वो काफिर था, यरौनहुम मिस्लैहिम रअयल ऐन, और ये दोनों ग्रोह एक दूसरे को देख रहे थे एक दूसरे से दुगना। जंग के शुरू में मुसलमान काफिरों को दुगना देख रहे थे, और जंग के इख्तिताम में काफिर जो है वो मुसलमानों को दुगना देख रहे थे। वल्लाहु युअय्यिदु बिनसरिही मन यशा, और अल्लाह ताला अपनी मदद, अल्लाह ताला मजबूत करता है अपनी मदद से जिसको वो चाहता है। इन्ना फी ज़ालिका लइबरतन लिउलिल अबसार, बेशक इस वाक्य में इबरत है उलिल अबसार, बसीरत वालों के लिए, वो लोग जो कि बसीरत रखते हैं उनके लिए इस वाक्य में बहुत ज्यादा इबरत है। ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बु शहवाति मिनन निसाई वल बनीन वल क़नातीरिल मुक़न्तरति मिनज़ ज़हबि वल फ़िद्दति वल ख़ैलिल मुसव्वमति वल अन्आमि वल हर्थ। अब तज़हीद फ़िद दुनिया, तज़हीद फ़िद दुनिया, क्या माना है तज़हीद फ़िद दुनिया का? दुनिया की जीनत, दुनिया की जीनत, दुनिया से बेरगबती, दुनिया की बेरगबती, और कोई जी बताइए। ज़ुहद से है, और दुनिया से बेरगबती ही है इसका मायने। हाँ, तज़हीद का मतलब है दुनिया से बेरगबती दिलाना, यानी कि दुनिया से बेरगबती दिलाना, यानी कि एक है ज़ुहद फिद दुनिया, ज़ुहद फिद दुनिया का मतलब है दुनिया से बेरगबती, और तज़हीद फिद दुनिया यानी कि अल्लाह ताला इस आयत के जरिए दुनिया से बेरगबती दिला रहा है, आपके और मेरे दिल में दुनिया से बेरगबती पैदा करना चाहता। बेशक मुजयन कर दी गई है, मुजयन कर दिया गया है नफ्स को, नफ्स के लिए मुजयन कर दिया गया है, हुब्बुश्शहवाती, शहवात की मोहब्बत को, शहवात से मुराद वो चीजें कि नफ्स जिन चीजों को पसंद करता है, नफ्स जिन चीजों को पसंद करता है। अब उनका बयान है, ये मिन बयानिया है, उनमें से पहली चीज मिनन निसाई खवातीन, वल बनीना, और बेटे, वल कनातीरिल मुकंतरती, और इकट्ठे किए हुए खजाने, मिनज़ ज़हबी वल फिज़्ज़ती, जो के सोने और चांदी के हों, वल खैलिल मुसव्वमती, और निशान जदा घोड़े, वल अनआमी, और चौपाए, वल हर्स, और खेतियां। इन सब चीजों का जिक्र किया, खवातीन, औलाद, बेटे, ठीक है, और बड़े बड़े बैंक बैलेंस, वल कनातीरिल मुकंतरति मिनज़ ज़हबि वल फिद्दा, वल खैलिल मुसव्वमति, और अच्छी अच्छी जबरदस्त किस्म की सवारियां, वल अनआमी वल हर्स, और चौपाए और खेतियां, बड़ी बड़ी जमीनें और बड़े बड़े रकबे। तो अल्लाह ताला फरमाता है, ज़ालिका मताउल हयातिद दुनिया, ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, ऐ लोगो, ऐ लोगो, ये सारा कुछ दुनिया की जिंदगी का थोड़ा सा फायदा है, दुनिया की जिंदगी का थोड़ा सा मजा है।
लेकिन वल्लाहु, और जो अल्लाह है, इंदहु, उसके पास, हुस्नुल मआब, उसके पास बड़ा बेहतरीन लौटना है। ये सब कुछ दुनिया की जिंदगी का थोड़ा सा मजा है, और जो अल्लाह के पास है वो बड़ा जबरदस्त, बड़े जबरदस्त लौटने की जगह है। ए नबी अलैहि सलातु वस्सलाम, कह दीजिए कुल। अब इसके मुकाबले में बशारत, ये सब कुछ जो पिछली आयत में जिक्र किया, ये तो दुनिया का थोड़ा सा मजा है, दुनिया का चंद दिन का फायदा है। इसके मुकाबले में ए ईमान वालों, तुम्हारे लिए बशारत है। कुल अनब्बिउकुम, ए नबी अलैहि सलातु वस्सलाम, आप कह दीजिए क्या मैं तुम्हें खबर ना दे दूं, बिखैरिम मिन ज़ालिकुम, उस चीज की खबर ना दे दूं जो कि इस सब से बेहतर है, जिसका जिक्र पिछली आयत में हुआ है। वो क्या है? लिल्लज़ीना तक़ौ, उन लोगों के लिए जो कि तक़वा इख्तियार करते हैं। इंदा रब्बिहिम, उनके रब के पास क्या है? जन्नातुन, ऐसे बागात हैं कि तजरी मिन तहतिहल अनहारु, उन बागात में नीचे की जानिब या उनके दरख्तों के नीचे नहरें बह रही हैं। खालिदीन फीहा, और ये मुत्तकी लोग हमेशा हमेशा इन बागात में रहेंगे, अकेले रहेंगे नहीं, व अज़वाज मुतहरतुन, और इनके साथ इनके पार्टनर भी होंगे, इनके साथ इनके अजवाज भी होंगे। अजवाज कैसे होंगे? दुनिया जैसे होंगे नहीं, मुतहरतुन, हर किस्म की जाहिरी और बातनी नजासत से पाक होंगे, अखलाक में भी पाक होंगे, जिस्म के एतबार से भी पाक होंगे, जाहिरी और बातनी हर तरह की गलाजत से पाक होंगे। अच्छा, व रिज़वानुम मिनल्लाह, और सबसे बढ़कर ये कि अल्लाह की रजा भी होगी। अल्लाहु बसीरुम बिल इबाद, बेशक अल्लाह ताला अपने बंदों को खूब देखने वाला है, अल्लाह अपने बंदों से खूब बाखबर है। ये वो बंदे हैं कि अल्लज़ीना यकूलूना रब्बना इन्ना आमन्ना, अल्लज़ीना यकूलूना, ये वो मुत्तकी बंदे हैं जो ये कहते रहते हैं, जो ये कहते रहते हैं, ए हमारे रब, ए हमारे रब, रब्बना इन्ना आमन्ना, ए हमारे रब, हम ईमान तो ले आए हैं। फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना, पस हमारे गुनाहों को ढांप दीजिए, हमारे गुनाहों की मग़फ़रत कर दीजिए। वक़ीना अज़ाबन नार, और हमें बचा लीजिए जहन्नम के अज़ाब से, हमें बचा लीजिए। ईमान वालों की सिफत देखिए कि वो अल्लाह से जहन्नम से पनाह मांगते रहते हैं, अल्लाह से पनाह मांगते रहते हैं जहन्नम की आग से। तो ईमान जो है वो खौफ और रजा दोनों के दरमियान है, ईमान खौफ और रजा, यानी कि ईमान और तकवा का ये मतलब नहीं है कि इंसान अल्लाह की पकड़ से और अल्लाह के अजाब से बेखौफ हो। आपने यहाँ देखा कि ईमान वालों का वसफ यह है कि वो अल्लज़ीना यकूलून रब्बना इन्ना आमन्ना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना वक़िना अज़ाबन्नार। मजीद उनकी सिफात क्या है? अस्साबिरीना, ये ईमान वाले वो हैं जो कि सब्र करते हैं। सब्र की तीन किस्में हैं, एक तो अल्लाह की कज़ा और कदर पे सब्र है, और दूसरा जो है वो अल्लाह की इताअत पर सब्र है, और तीसरा मासियत से बचने पर सब्र है। या फिर अगर इसको इस तरह कहा जाए कि अल्लाह ताला के जो तकवीनी उमूर हैं उन पर भी सब्र है, और तशरीई उमूर जो है उन पर भी सब्र है। अगर बीमारी आ जाती है या कोई फौत हो जाता है या कोई नुकसान हो जाता है तो इस पर भी सब्र करते हैं, इस पर जजा फजा नहीं करते, मर गए लुट गए ये नहीं करते। तो ये है तकवीनी उमूर पर सब्र, और तशरीई उमूर पर सब्र ये है कि अल्लाह ताला ने जिन चीज़ों का हुक्म दिया है उनको, नफ्स जो है वो उन चीज़ों की तरफ मायल होता है लेकिन ये अपने आप को रोकते हैं। ठीक है, जो जिन चीज़ों की तरफ इंसान का नफ्स मायल होता है वो चीज़ें नफ्स को पसंद हैं लेकिन ये उनसे अपने आप को रोकते हैं, या फिर जिन चीज़ों का अल्लाह ने हुक्म दिया है वो नफ्स पर गिरां गुजरती हैं लेकिन ये उन कामों को करते हैं। तो अस्साबिरीना, ये ईमान वाले जिनके लिए ये इनामात हैं, ये साबिरीन हैं। वस्सादिकीना, और ये सादिकीन हैं। सादिकीन से मुराद एक तो आम माना है कि बोलने में सच बोलना, दूसरा ये है कि ये सिद्क जो है वो ईमान के अंदर भी सिद्क है, अपने कौलो अमल में भी सिद्क है, ईमान के अंदर भी सिद्क है। वस्सादिकीना वल्कानितीना, और ये ताबेदार हैं, अल्लाह के फरमा बरदार हैं। वल्मुन्फिकीना, और ये अल्लाह के रास्ते में इन्फाक करने वाले हैं, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाले हैं। और वल मुस्तगफिरीन बिल असहार, और फिर ये सहरियों के वक्त अल्लाह से इस्तिगफार करने वाले हैं। ये सहरियों के वक्त जो इस्तिगफार करते हैं, इन्होंने सारी रात क्या गुनाह किया होता है बताइए? ये मुत्तकी लोगों का जिक्र हो रहा है ना। लिल्लज़ीन तक़ौ इंदा रब्बिहिम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीन फीहा, तो ये सहरी के वक्त इस्तिगफार कर रहे हैं, इन्होंने रात भर क्या जुर्म किया है? जी बताइए कासिम भाई, आप बताइए। जी सर, जुर्म कोई भी नहीं किया, इसके लिए तहज्जुद का टाइम जो
इस तरह का टाइम है कि इसमें अल्लाह ताला शायद ज्यादा नजदीकों के बात सुनते हैं, तो वो अपने गुनाहों की माफी मांग रहे हैं, उसमें जरूरी तो नहीं है कि वो रात को कोई गुनाह करते हैं, और ऐसा सही डर रहे हैं रात के तीसरे हिस्से में उठ के वो तहज्जुद पढ़ रहे हैं बेसिकली। जी नूरे हीरा आप बताइए। सर जब रात में ना भी किया हो तो बाकी सारी जिंदगी में जो कमी कोताही हुई है इंसान होने के नाते, तो उस पर अल्लाह तआला से इस्तग़फ़ार कर रही हूँ। जी कोई और शेख साहब जो नेकी करके डरते रहते हैं कि कबूल हो जाए। बारकल्लाह फीकुम, और कोई? जी जरियाब भाई। सर इसमें सर इसमें वही सारी बातें जो साहब ने की हैं। अच्छा चलो ये भी अच्छा जवाब है। रात में कयाम करने वाले लोग। बारकल्लाह फीकुम बारकल्लाह फीकुम, सबके जवाब तकरीबन दुरुस्त हैं। असल में हमारा जो दीन है ना, हमारे दीन के अंदर एक चीज है, वो ये है कि जितने भी नेक आमाल हैं, तमाम नेक आमाल का इख्तिताम हमारे दीन ने सिखाया है इस्तिग़फ़ार के साथ किया जाए। क्योंकि इंसान जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पहचानता हो, जब उसको अल्लाह की मारिफत हो, अल्लाह की हकीकी मारिफत हो और अपनी भी हकीकी मारिफत हो, जब ये दोनों चीज़ें इंसान के सामने हो, कौन सी दो चीज़ें मैंने कही हैं? अल्लाह ताला की मार्फत और अपनी मार्फत। अपनी मार्फत। अब जब वो अल्लाह की तरफ देखता है, अल्लाह की मार्फत जब वो देखता है, और तो फिर उसको पता चलता है कि अल्लाह का हक कितना बड़ा है, अल्लाह का हक कितना बड़ा है। और फिर जब वो अपने अमल की तरफ देखता है, तो वो देखता है कि मैं जितना भी अच्छा अमल कर लूं, वो अल्लाह का जितना बड़ा हक है वो मैं अदा नहीं कर पाता, मैं अदा नहीं कर सकता। मैं जितना भी अपने अमल को संवार लूं, मेरे अमल के अंदर कमी कोताही और जो नक्स है वो बाकी है। आपको बात समझ आ रही है सबको? तो फिर क्या होता है, फिर जब ईमान वाला अपने अमल को खत्म करता है, तो फिर वो क्या करता है, वो कहता है क्या बात है मेरी, मैंने आज मैंने इतनी रकअतें पढ़ी हैं, मैंने अल्लाह पर बहुत बड़ा एहसान किया है, अब चाहिए कि मुझ पर अब वही नाजिल हो। हाँ, क्या ये रवैया हो सकता है कि ऐसे बंदे का जो कि अल्लाह को भी जानता हो और अपने आप को भी जानता हो? नहीं सर। तो फिर उसका रवैया फिर क्या होगा अमल करने के बाद? वो अल्लाह से इस्तग़फ़ार करेगा। ठीक है, तो सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब अल्लाह ताला अल्लाह के नबी से पूछा कि मैं नमाज के आखिर में क्या दुआ पढ़ा करूं, तो आप अलैहि सलातु वसलाम ने क्या दुआ सिखाई? रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कथीरा। ए अल्लाह, मैंने अपनी जान पर बहुत जुल्म किया है। ये किसको सिखाई है? अबू बकर सिद्दीक को। और क्या करने के बाद पढ़नी है? नमाज के आखिर में पढ़नी है, रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कथीरा। ए अल्लाह, मैंने बड़ा जुल्म किया है अपने अपने ऊपर, तो वला यग़फिरु ज़ुनूबा इल्ला अंता, और ए अल्लाह गुनाहों को माफ तो आप ही कर सकते हैं, तो फ़ग़फिर ली मग़फिरतन मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफूरुर रहीम। तो जब इंसान जो है वो इन दोनों चीज़ों की तरफ इंसान की निगाह हो, अल्लाह की अजमत की तरफ, अल्लाह की नेमतों की तरफ, और फिर अपने नक्स की तरफ, अपनी अपने कसूर की तरफ, अपने नेक आमाल को भी फिर इंसान जो है वो हकीर जानता है। ठीक है, तो ये जो मुस्तग़फ़िरीन बिल असहार हैं, ये वो हैं जिन्होंने तताजाफ़ा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजिअ यदउना रब्बहुम खौफ़म व तमअ। ये वो लोग हैं जिन्होंने रात अल्लाह के सामने खड़े होकर क़याम में गुजारी है, रकू में गुजारी है, सजदों में गुजारी है। अब जब सहरी का वक्त करीब आ गया है, अब जब रात ख़त्म होने वाली है, तो उस वक्त ये अल्लाह से इस्तग़फ़ार कर रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि इन्होंने रात को कोई गुनाह किए हैं, इन्होंने रात को कोई जो है वो जुर्म किए हैं, तो अब ये इस्तग़फ़ार कर रहे हैं, नहीं, इसका ये मतलब नहीं है। तो ये जो इस्तिग़फ़ार है, नेक आमाल के इख्तिताम पर इस्तिग़फ़ार जो है ये मशरू है, नेक आमाल के इख्तिताम पर जो इस्तिग़फ़ार है और वो मशरू है। तो इस्तिग़फ़ार का हमारे यहाँ पर ना एक अजीब वो है, तसव्वुर है, वो ये है कि इस्तिग़फ़ार जो है ना वो कोई कोई गलत काम करने के बाद इस्तिग़फ़ार है। हालांकि इस्तिग़फ़ार का माना इससे बहुत ज़्यादा वसी है, और जो गुनाह का माना है वो भी बहुत वसी है। ठीक है, गुनाह सिर्फ ये नहीं होता कि किसी बुरे काम को करना, सिर्फ ये गुनाह नहीं होता, बल्कि जो चीज़ें जिन चीज़ों का अल्लाह ने हुक्म दिया है उनको उस तरह ना करना जिस तरह अल्लाह को मतलूब है, ये भी गुनाह है। ठीक है, तो फिर इंसान अगर गुनाह की हकीकी तारीफ को जानता हो, फिर उसको पता चलेगा कि मैं जब नमाज भी पढ़ता हूँ तो क्या मेरी नमाज ऐसी है कि जो कि अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हो। तो फिर जब वो सलाम फेरता है तो वो क्या कहता है? वो कहता है अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। ठीक है, जिस तरह की आपको मालूम है कि मसनून अज़कार में है कि नमाज के बाद इंसान इस्तग़फार करता है। तो ये जो अल मुस्तग़फिरीन बिल असहार हैं,
इन्होंने क्या किया है, इन्होंने रात को अल्लाह के सामने इबादत किया है, क़याम किया है, रुकू और सजदे किए हैं, तो अब जब सहरी का वक्त आता है तो फिर उस वक्त ये लोग जो है वो अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करते हैं। तो सहरी के वक्त इस्तिग़फ़ार करने के बेहतरीन कलिमात कौन से हैं? सहरी के वक्त इस्तिग़फ़ार करना सर, जितना मुझे पता वो ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदुर रसूलुल्लाह शैन कदीर, और फिर उसके बाद सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह व ला इलाहा इल्लल्लाह व अकबर, आयत नंबर 16। हाँ बारकल्लाह फीकुम, बारकल्लाह फीकुम, ये असल जवाब आपने दिया। ये वो कलिमात है, रब्बना इन्ना आमन्ना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना वक़िना अज़ाबन्नार। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वैसे तो इंसान कोई भी कलिमात इस्तेमाल कर सकता है इस्तिग़फ़ार के लिए। सैयदुल इस्तिग़फ़ार है, अल्लाहुम्मा अंता रब्बी ला इलाहा इल्ला अंता खलक़तनी व अना अब्दुक व अना अला अहदिक वबादी का मस्तात, ये पूरी जो दुआ है सैयदुल इस्तिग़फ़ार, ये भी बड़े खूबसूरत दुआ है। लेकिन खुद यहाँ पर किस दुआ का जिक्र हुआ है, मुत्तकीन की किस दुआ का यहाँ पर इन आयात में जिक्र जो हुआ है वो इसी दुआ का हुआ है, रब्बना इन्ना आमन्ना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना वक़िना अज़ाबन्नार। ठीक है, तो आज के सबक का, एक दिन एक बहन कह रही थी कि हमारी इस क्लास में जो है वो अमली पहलू कम है, इल्मी पहलू ज्यादा है। तो वाकईतन बात ठीक है, बाज़ दफ़ा हम इल्मी नकात की तरफ जो है ना वो ज्यादा तवज्जो हो जाती है, और अमली जो पहलू है वो थोड़ा सा शायद निगेट हो जाता है। बहर अल्लाह ताला हमें माफ़ करे। तो ये जो दो दुआएं हैं, आज हमने दो दुआएं पढ़ी हैं इस सबक के अंदर, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बादा इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब, और दूसरी दुआ है रब्बना इन्ना आमन्ना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना वक़िना अज़ाबन्नार। तो ये दो दुआएं, किसी को कोई ऐसा है आप में जिसको अभी तक याद ना हो, या याद है सबको? शेख सब याद है, याद है सर जी। बाकियों को याद है? जी सर याद है। चलें इंशाल्लाह, अब ये कल तक अगर किसी को याद नहीं है तो कल तक याद भी कर लें, और इसको सिर्फ याद करने का फायदा नहीं है, इन दुआओं को जो है वो इन दुआओं को पढ़ने का भी इस्तेमाल करें। ये दुआएं जो है वो बड़ी जबरदस्त दुआएं हैं दोनों, इनको कसरत से जो है वो इनका वर्त करें। ठीक है जी, आज के लिए इतना काफी है इंशाल्लाह। कल जो है वो फिर आगे सबक पढ़ेंगे। कोई सवाल है आज के सबक के हवाले से?